ऐसे काट ले दांत से, टेस्ट कैसा है? अजीब सा। अच्छा नहीं है इसके मुताबिक तो उसमें से 10 में से 10 है वो। हाय गाइस, मैं तुषार गौर। आज हम आए हैं सीपी कनॉट प्लेस, जो कि दिल्ली में है। ये हर चीज के लिए फेमस है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं देखने लायक, खाने लायक। तो एक है इंडिया गेट है और बंगला साहिब गुरुद्वारा है। दे दे टिश्यू पेपर, मैं ला रही हूँ तो आज हम सीपी आए हैं राजमा चावल ट्राई करने। मैं आपको आज बताऊंगा कि ना सबसे बेस्ट राजमा चावल किन किन किसके हैं यहाँ पे। हम तीन जगह आए, तीन जगह डिसाइडेड है। एक है जैन जैन राजमा चावल या जैन चावल ऐसी कुछ है। दूसरा है ढाबा फूड जो कि यहीं पे है, और एक है और एक था गुप्ता फेमस फूड। ये तीनों की प्लेट ऐसी रहेगी, मैं आपको फ़ोटो शेयर कर दूँगा। ये देखो, इसमें रायता है और सैलेड है, ग्रीन चटनी है, राजमा चावल है, ऐसी कुछ प्लेट है इनकी। 90 रुपये की। और इन पे बहुत सारी चीज़ें हैं, छोले भटूरे वगैरह, पर हमने सिर्फ यही लिया है। छोले चावल, सोया चाप और भी चीज़ें होंगी, पर आज हम राजमा चावल, कड़ी चावल भी है। आज हम सिर्फ राजमा चावल के लिए आए हैं, तो सिर्फ राजमा चावल खाएंगे। कैसा लग रहा है बताया नहीं? बताइए माधव। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? ठीक है। कितने दोगे 10 में से नंबर? 8। चलो, बाकी जो बाकी दो हैं, जो ये ढाबा फूड है ना, देखो देखो कितनी भीड़ है इस पे। ये ऑलमोस्ट सारे राजमा चावल के ही हैं। सारे मिला दो और क्या करोगे। और ये इनकी पार्किंग है, चम्मच उठाए भीड़ देखो आप। गिरा। और देखो वो रहा ढाबा फूड, ठीक है। ये देखियो, चम्मच उठा ले तो एक बार ही, मैं सारे मिला के सारे फिर। अभी कौन खा रहा था? तो मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बड़ो मेरा भाई है। कितने रुपए की? 90। देख जूते। हम चार जनों ने एक ही प्लेट लिया है, क्योंकि हमें और भी दो तीन जगह पे जाना है ना, तो फिर वो है जाएगा। लो, खाओ पहले और बताओ कैसा है। मधु बताओ, टेस्ट करके भाई खा। तू इसे क्या ही पता लगेगा इसे? तू तो खा, तू बता टेस्ट करके। पापड़ी उठा ले, एक पापड़ यहाँ से। तो मैंने अभी एक बाइट ले लिया है, पर वीडियो चालू करना मैं भूल गया था, फिर से एक और बाइट लेंगे। सारे गिर रहे हैं, घोचू से घोच करके दे रहे हैं सब चीजों भाई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो मोटा चावल है, मोटा चावल, ठीक है। ये हम चारों से एक प्लेट पूरी भी नहीं खाई गई, तो हमने आधे पैक कर लिए, क्योंकि हमें दो जगह और के खाने हैं ना अभी। वो भी आधे आधे पैक करके ऐसे घर ले जाएंगे और घर पे खिलाएंगे फिर सबको। मोटी इधर देख पहले। चल मोटी, रेटिंग देते हैं। आओ मुझी, रेटिंग देते हैं। हम ना चारों को रेट करेंगे कि हमें कितने कौन से वाले अच्छे लगे। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ना इसको ढाबा फूड को 3रा नंबर दिया हुआ था, मतलब सबसे कम रेटिंग दी हुई थी। जैन वाले को सबसे एक नंबर पर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा जैन वाले को ना सबसे एंड में ही करेंगे, क्योंकि ऐसा होता कि जो हमने पहले खा लिया ना उसका टेस्ट हमें अच्छा लगता है, बाकी तो फिर दो ऐसे हो जाते हैं। इसलिए ढाबा फूड को हम 3रे पे आए और पहले नंबर पे आए। तो चलो मुझे आपसे शुरुआत करते हैं, रेटिंग दो। कितने 10 में से कितने मार्क्स दोगे? छोटे से पहले माधव से। चल माधव बताओ कितने, ऐसे क्या ही बताएगा। चल मोटी तू बता दे, माधव कैसे लगे आपको राजमा चावल? कितने अच्छे? वही तो, थोड़े अच्छे, ज्यादा अच्छे? बहुत अच्छे। थोड़े बताओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तो मतलब 10, ठीक है। मोटी तू बता, थोड़े अच्छे। 7, तू 10 में से बता। 5।
इतने गंदे लगे तेरे को? आप बताओ मुझे, पेट भरा हुआ था ना इधर पे, पेल के आई है आज तो खा के तो आप भी आए। मैं नहीं आया खा के। तो आपको कैसा लगा? मैं तो दे दी 8 मार्क्स। मैं 7 दे देता हूँ। चलो 7। अब हम चलते हैं उस पे, गुप्ता फेमस फूड पर, ठीक है? लगाओ मुझे। क्या क्या कह रहा है? आपको उसका भी दिखाएंगे, पर उसकी भीड़ भी दिखाएंगे। गाइस यहाँ भी देख लो आप भीड़। ये हमारे जैन चावल वाले हैं, हमारे भाई अतुलियम जैन चावल वाले। वो आप पहले यहाँ पे भीड़ चेकआउट करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने 3 दुकानें चूज करी हैं, उसमें से ना एक तो मैंने आपको दिखा दी ढाबा फूड, और दूसरी जो वाली थी ना गुप्ता फेमस फूड, वो गुप्ता फेमस फूड नहीं मिली हमें, सिर्फ गुप्ता फूड मिली। और वो ना रेस्टोरेंट था, वो अंदर जाके खाना पड़ता, पर हमें अंदर जाके खाना तो अभी है नहीं, हमें सिर्फ गाड़ी गाड़ी में खाना है। तो अब यहाँ के चेकआउट करेंगे। भीड़ देख के तो यहाँ का भी लग रहा है कि यहाँ के बहुत अच्छे होंगे। अब हम पे सिर्फ 2 ही जगह बची। हाँ जी, अब हम पे सिर्फ 2 ही जगह बची, हम दोनों में से डिसाइड करेंगे। और मैं आपको बताऊँगा कि किसके आपको, अगर आप CP आओ तो राजमा चावल ट्राई करने ही चाहिए, ठीक है? इन दोनों में से कोई हमारा कोई रिश्तेदार तो लगता नहीं है कि मैं कुछ किसी की साइड लूँगा। तो अनबाइज तरीके से आपको सारा वो बताएं। हैं? ठीक, ओके। तो अभी यहाँ के आपको प्लेट दिखाता हूँ कि कैसी है, ठीक है? और खा के भी मैं आपको रेटिंग बताऊँगा, ओके? बिल्कुल अनबाइज आपको मैं वो बताऊँगा कि किसके बेस्ट है राजमा चावल। और बाकी अगली वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगे तो अगली वीडियो आप बताना कि छोले भटूरे वगैरह की भी ले आऊंगा, ठीक है? कंपैरेटिवली ना उससे ढाबा फूड वाले से बहुत छोटी प्लेट है, वो तो एक हाथ में भी नहीं आ रही थी, एक हाथ में आ गई। देखो बाहर जा रही है उंगलियाँ। लो करो टेस्ट, करते हैं, आपको मैं फिर बताता हूँ, ठीक है? चटनी पटनी तो डलवाई नहीं कुछ, यार नहीं दे रहा ये डाल के, ना इनके पास रायता है और ना इन्होंने हमें चटनी डाल के दी प्याज के ऊपर। उनकी प्लेट भी छोटी है। अच्छा तेरे प्याज तोड़ कर दूँ? ऊपर से उठा के और ऐसे काट ले दांत से। टेस्ट कैसा है? अजीब सा। अच्छा नहीं है? मतलब उबले हुए से वो लग रहे हैं ना चावल? मेरे को तो राजमा उबले उबले से लग रहे हैं। बस मिक्स कर ले। उबाल के दे दियो। सच्ची में बहुत बहुत बुरे हैं ये। वेस्ट मनी। ये लोग नॉनवेज भी तो दे रहे साथ में। हाँ। मोटे नॉनवेज नहीं होगा, चाप होगी वो। वैसे ही लग रहा था। जब सब्जी बनाने से पहले जो राजमा उबालते हैं ना, वैसे लग रहा है ना राजमा, सिर्फ राजमा उबले हुए हैं और उस पर चावल पे डाल के देती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग तो यार ये बेकार है यार। वो अच्छे थे, वो वाले अच्छे थे ना, वो सच्ची में अच्छे थे। इतने इसमें मसाला भी कम है। इसके मुताबिक तो उसमें से 10 में से 10 है वो। इसके मुताबिक ना मैं ना खाई। उसमें मिला ले तो सही हो जाएगा इसका फ्लेवर। अब जो हमने वो बचाए हुए थे उसमें इसको मिला लेते हैं ताकि थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाए। अभी उसमें इतना थे हम। माय बॉक्स उठाओ। लो पकड़ तो यार, बॉक्स पकड़। पकड़ने को बोला तो पकड़ के बैठ गया, ये नहीं खोल दूँ उसे। माधव बोल लेगा चावल। ये हमने वहाँ से चम्मच भी चुरा लिया। बे रुक तो जा। 4 में से 5 में से ये मेरी मम्मी ने चुराई है। मारूंगी गाल पे खींच के कभी। ऐसे करना नहीं चाहिए, वैसे करना चाहिए, इतना महंगा दे रहे हैं ये। 90 रुपए में इतनी बड़ी प्लेट दे रहे हैं राजमा चावल की, तब भी वो चुरा लो उनके चम्मच। Please.
आप लोग भी शायद सोच रहे होंगे कि हम मतलब राजमा चावल के लिए हम चार जने क्यों आए हैं, ये तो बच्चा है, हम तीन जने क्यों आए हैं। तो हम तो देखो टेस्ट करते और बाकी फिर जो बच जाता उसके लिए हम उसको लेके आए थे। सब कुछ खा जाती है वो। चलो रेटिंग करते हैं अब जैन चावल को। आपको जैन चावल के कितने अच्छे लगे? बहुत अच्छे लगे, बहुत 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 अच्छे लगे। बताइए जो अभी वाले खाए हैं, बहुत ही जीरो जीरो। पहले वाले अच्छे थे कि अभी वाले अच्छे हैं? पहले वाले। मैप्स तो लगा लो। और दूसरे वाले बहुत गंदे थे, जीरो। जो अभी खाया ना उसमें टेस्ट नहीं था। अगर आपके पास सिर्फ दो चॉइस है ना राजमा चावल के लिए, जैन चावल और वो ढाबा फूड, ढाबा फूड बेस्ट है। हाँ तो ढाबा फूड जाओ। और अगर आप बीमार हो आपको तब भी राजमा चावल खाने हैं तो जैन चावल खा लो। तो बीमार है तो टेस्ट अच्छा होना चाहिए ना पागल लड़के। बीमारी में टेस्ट अच्छा थोड़ी खाते हैं, खटका मसाला खाते हैं ना। तो ये राजमा चावल वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।